अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार सी दही फुलकियाँ। रोज़ों में इन्हें बहुत शौक़ से खाया जाता है और ये बहुत ही आसानी से और जल्दी से बन के तैयार हो जाती हैं। तो सबसे पहले आइए हम अपनी फुलकियाँ तैयार करते हैं। इसके लिए हम लेंगे 300 ग्राम बेसन यानी कि ग्राम फ्लोर हम लेंगे, 6 से 7 ग्रीन चिलीज लेंगे, चॉप कर लेंगे उन्हें, थोड़ा सा मिंट कोरिएंडर, साल्ट हसबे ज़रूरत और हसबे ज़ायका, 3 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 2 टीस्पून ब्लैक पेपर लेंगे। बेसन में हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे, ग्रीन चिलीज, मिंट कोरिएंडर, ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर और साल्ट। इसे मिक्स करेंगे और पानी की मदद से हम इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर हमारा रेडी हो चुका है। इस पॉइंट पे हम इसमें 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। इससे हमारी फुलकियाँ बहुत सॉफ्ट सी बन के तैयार होती हैं, मज़ेदार क्रिस्पी सी हो जाती हैं। तो अब हम इसको इतना फेंटेंगे कि इसकी एक फ्लोई सी कंसिस्टेंसी हो जाए, कुछ इस तरह की। अब हम इसकी फुलकियाँ निकाल लेंगे। एक कढ़ाई में हमने ऑयल गरम कर लेना है और एक छोटे स्पून की मदद से हमने इसकी छोटी छोटी सी फुलकियाँ निकाल लेनी हैं। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी फुलकियाँ जो हैं बनके तैयार हो चुकी हैं। इन्हें हम प्लेटर में निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारी फुलकी बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुई है और अंदर तक गल चुकी है। इसी तरह हम अपनी बाकी फुलकियां तैयार कर लेंगे। दूसरी तरफ हम एक प्याले में नीम गर्म पानी लेंगे नमक डाल के, और उसमें अपनी फुलकियां डुबो देंगे और उनको सॉफ्ट होने तक हम पानी में रखेंगे। उसके बाद हम इसको ड्रेन कर लेंगे स्ट्रेनर में। दूसरी तरफ हम अपनी दही तैयार कर लेंगे। उसके लिए हम 1 किलो दही लेंगे, 1 स्मॉल अनियन, थोड़ी सी बंद गोभी, 1 स्मॉल हम टमाटो लेंगे और 2 ग्रीन चिलीज ले लेंगे, उसे चॉप कर लेंगे। यहाँ पे हम अपनी दही को अच्छे से फेंटेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी भी मिक्स कर लेंगे, कुछ इस तरह की हमारी दही बन के तैयार हो जाएगी। इस पॉइंट पे हम इसमें 1/2 टीस्पून साल्ट ऐड कर लेंगे। और हम ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून शुगर, थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको, 2 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। और अब हम अपनी फुलकियाँ जो हैं एक प्याले में हाफ निकाल के सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे जो हमने कट करके रखी थी। और इसमें हम अपनी दही ऐड कर लेंगे जो हमने रेडी की थी। इसी तरह से हम बाकी फुलकियाँ भी डाल के अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। और यहाँ पे हमारी दही फुलकी रेडी हो चुकी है। इस पे हम थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे। थोड़े से मिंट लीव्स। और फुलकियों को और भी मज़ेदार बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी ग्रीन चटनी, थोड़ी सी मीठी चटनी और ये हमारी मज़ेदार सी फुलकियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। इन्हें आप पैकेट में डाल के कई दिन फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी फुलकियाँ जो हैं रेडी हो चुकी हैं, अब हम इन्हें सर्व करेंगे। तो व्यूवर्स, आप भी मेरी मज़ेदार सी दही फुलकियों की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें
और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आपको टाइम पे मिलती रहे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।